कानपुर देहात से इस वक्त की खबर आ रही है। नरकीय जीवन जीने पर मजबूर ग्रामीण जल भराव कीचड़ से परेशान, यहां पर जीवन दुसहार, घातक बीमारी से ग्रस्त कई लोग वोट देने के बाद भी जन प्रतिनिधि। ग्रामीणों ने बताया है आवाज दिलाने के नाम पर प्रधान को 10,000 रुपए देने के बाद भी नहीं मिल रहा आवाज। कागज दिखाकर यहां पर हैंडपंप का मुरम्मत धरातल पर चीरो, जहां पर कागजों में पंचायत भवन की मुरम्मत कराने के नाम पर निकाले गए पैसे, परंतु गांव पंचायत भवन का नामो निशान तक नहीं है। यहां पर योगी सरकार के गड्ढा मुक्त योजना फेल। बिहार में स्टाफ के दुर्जनपुर आने वाली मेन रोड पर, जहां पर गड्ढों में सड़क ही गड्ढा है। मामले में आपको बताते चले कि जनपद कानपुर देहात क्षेत्र में विकास खंड मलसा ग्राम पंचायत बिहार का माजरा, जहां ग्रामीण विकास से कोसों दूर है। प्राइम बीके न्यूज शैली के लिए सत्येंद्र सरकार की खास रिपोर्ट कानपुर देहात से। सूरज मिश्रा ग्राम पंचायत बिहार ग्राम दुर्जनपुर के निवासी हैं। ये मकान मेरा ये पड़ता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गांव में पूरे गांव में लगभग हमारे पूरे गांव में कहीं पे नालियाँ नहीं हैं। आप देख सकते हैं, आप पानी नहीं निकल सकता है। देखो किसी के चबूतरे भसके पड़े हैं, सारा कुछ उसी हिसाब से गड़बड़ होता जा रहा है। आप शौचालय देख सकते हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं, इनका शौचालय आप देख सकते हैं कि दरवाज़ा टूटा हुआ पड़ा है ना। इसमें आप इसके अंदर जाने के लिए नहीं सोच सकते कि आप इसके अंदर जाएंगे। और हमारे गाँव का जो अभी तालाब है, तालाब का सुंदरीकरण करीब 1 साल पहले हुआ था, जिसमें कि आप वहाँ पे आप बैठ नहीं सकते हैं, उसके आसपास जाने का आपका मन नहीं होगा। जानवर कोई वहाँ लेके नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी ही नहीं रहता है। तालाब की गंदगी के अंबार की वजह से घातक बीमारियों का भी आप लोगों को शिकार। हमारे गांव में नालियाँ ना होने के कारण गांव के अंदर जल भराव होता है। इस वजह से हमारे गाँव के हमारे पड़ोस के ही जितेंद्र सिंह, जिनको अभी डेंगू के शिकार हुए थे, बहुत ज़्यादा उनके परिजन परेशान हुए और करीब 2 महीने बाद वो ठीक हुए, अपने घर में वापस आए हैं हॉस्पिटल से। और ग्राम प्रधान के संबंध में विकास कार्यों के बारे में आपने ग्राम प्रधान से या विभागीय किसी उच्चाधिकारी से आपने संपर्क किया, क्या कहना है उनसे? ग्राम प्रधान से बहुत बार बात हुई, उनका कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं आया। उसके अलावा अभी तक हमने सचिव है हमारी दीपिका सचान को भी हमने कंप्लेन की, और 1076 CM हेल्पलाइन नंबर उस पर भी हमने कंप्लेन की। उस पर जो जवाब मिले हमें कोई संतोषपूर्ण नहीं रहे। वहाँ से जो भी जांच आई हमारे ब्लॉक या सचिव से जांच पूरी होके गांव में कोई अधिकारी आया भी नहीं है। गाँव में कोई अधिकारी आया नहीं, समस्याएं जस की तस हैं और शिकायत का निस्तारण हो भी गया, बस हाँ वहीं से वापस जा रहे हैं। गांव में लाइटें, क्या मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? 2022 में आगामी चुनाव का आगाज हो चुका है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे गांव का तो अभी तक कोई काम होता नहीं नजर आ रहा है। जो कि हमारे विधायक हैं कटियार साहब, उन्होंने अभी तक गाँव में आए नहीं है, वो अभी तक गांव आए नहीं है। जब से चुनाव हुआ, शायद चुनाव में एक बार कन्वेंशन में आए हुए थे, उनसे बात भी हुई, पर उनका कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं है। और प्रधान जी के द्वारा हमारे गांव में लाइटें लग चुकी हैं, लाइटें खंभों में लग चुकी हैं, उसका पैसा निकल चुका है, पर गांव में लाइट आई नहीं अभी तक। और उनके गाँव में लाइटें लग चुकी हैं, जो उनका गाँव है रैरामापुर पड़ता है, उसमें लाइटें लगी हुई हैं। हमारे गाँव में लाइटों का अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।